शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यन्धकारपां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। योगेश हो योगेश स्वाध्याय। हाँ खुश रहो और म्यूट करो म्यूट करो। हाँ म्यूट करने से तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी। हाँ ठीक है चलो। तो आज संधि सुधि उपास्य ये चल रहा था है? तो संयोगांतस्य लोप। पुस्तक खोलिए आप लोग। तो पहले सुधि उपास्य हुआ, सुधि के इकार को यकार हुआ, ठीक है, सुध य उपास्य। उसके बाद अनाचित से धकार को द्वित्य हो गया विकल्प से, तो विकल्प से जब धकार को द्वित्य होगा है तो सु ध ध य उपास्य ऐसा हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ इसको नहीं आता तो पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद संयोगांतस्य लोप ये सूत्र आया। इसका सामान्य अर्थ हुआ कि संयोगांत जो पद है, जो पद संयोगांत है उसका लोप होगा, उसका लोप होगा। पद बोलते हैं ओम सुप्ति गंध पदम, ठीक है। तो देखो संयोगांत पद हो गया सु ध ध य, इतना हुआ सु ध ध य, ये हो गया पूरा पद। इसके अंत में संयोग कौन है मालूम है, ध ध य, ये हो गया संयोग। संयोग किसको बोलते हैं, हलनंतरा संयोग। हलों के बीच में यदि अच वर्ण नहीं होगा ऐसे हल वर्णों को बोलते हैं संयोग। ये तीनों को मिलाकर संयोग कहा जाएगा, ध ध य, ठीक है। तो इसलिए लोप प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, लोप। लोप किसे कहते हैं, अदर्शनम लोप, मतलब सुना ही नहीं देना, उच्चारण नहीं करना। तो पूरे का लोप प्राप्त हुआ भाई है, संयोगांत लोप, संयोगांत से लोप बोल दिया हम तो पूरे को लोप करेंगे। तो सु ध ध य में कितना वर्ण है, पांच है कुल मिला करके। सु में दो वर्ण है, ध ध य दो तीन पांच हो गए। तो संयोगांत से लोपों का हम तो पूरे को लोप करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद तो सब दुखी हो गए पांचों वर्ण, अरे भाई एक को दंड दे दो, सबको क्यों दंड दे रहे हो। फिर पाणिनि के पास गए सब मिल करके पांचों, बोले एक को दंड दो सबको ना दो, ठीक है।
तो उसने कहा ठीक, हम परिभाषा एक बनाते हैं। एक परिभाषा बनाई, तो कौन परिभाषा है? अगला सूत्र देखो, अलोन्तस्य, अ ना बोला करो भी, बीच में अ नहीं बोलना, अलोन्तस्य। हाँ, अलोन्तस्य क्या बोलेंगे? हाँ, अलोन्तस्य। हाँ, लो देखो, लो में जो ओ है ना, वो दीर्घ है, और अ जो है ह्रस्व है। ह्रस्व को एक मात्रा और दीर्घ को दो मात्रा। हाँ देखो कैसे, अलोन्तस्य। दो पद है, लिखो अला अला, ल के बाद विसर्ग लिखो, लिखना पड़ेगा, बच्चा बन करके लिखना पड़ेगा। आला अल आगे बाद विसर्ग, तो आला षष्टी का एक बचन, अल का अला, अल का अला, जैसे मरुत शब्द होता है ना, मरुत, मरुत का षष्टी वचन में क्या बना था? मरुता। मरुत शब्द आप लोगों को लिखवाए थे? हाँ, नहीं लिखवाए थे, आप नहीं थे। मरुत शब्द याद है आप लोगों को ना? हाँ, यदि नहीं है तो याद करो, ठीक है। मरुत शब्द का रूप याद करना चाहिए, जैसे मरुत का षष्टी वचन मरुता बनता है, अल का क्या बनेगा? अला, ठीक है। जो मरुत शब्द है उसके सात विभक्ति में रूप में व्हाट्सएप में लिख दूंगा, उसका याद करिएगा जिस जो लोग कर सकते हैं। और अंतस्य षष्टी का एक वचन, अंतस्य, जैसे राम शब्द का षष्टी वचन बनता है रामस्य, अंत्य का क्या बनेगा? अंतस्य। तो सूत्र में दो पद है, कितने पद है? दो पद है। देखो, षष्टि निर्दिष्टो, बोलो, निर्दिष्टो अंतस्य अलह अंतस्य आदेशः स्यात्। आदेशः पूरा बोलो। निर्देशो निर्देशो नहीं, निर्दिष्टो, षष्ठी निर्दिष्टो निर्देशो आदेश। अर्थ, ये जो सूत्र के नीचे लिखी रहती है उसको क्या बोलते हैं? वृत्ति, व्याकरण में, अन्य शास्त्र में नहीं, यहाँ पर वृत्ति बोलेंगे। देखो अर्थ लिखो भाई, अर्थ लिखो। स्थान षष्टि को निर्देश करके, स्थान षष्टि को निर्देश करके होने वाला आदेश, होने वाला आदेश, होने वाला आदेश, अंतिम अल वर्ण के स्थान पर हो, अंतिम अंतिम अल वर्ण लिख दो, अंतिम वर्ण के स्थान पर, अंतिम वर्ण के स्थान पर हो, स्थान षष्टि को निर्देश करके होने वाला आदेश अंतिम वर्ण के स्थान पर हो, ठीक है। हाँ देखो, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं मालूम है आप लोगों को? दो प्रकार के, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का नाम क्या है? अच। स्वर वर्ण का नाम क्या है? अच, ठीक है। और व्यंजन वर्ण का नाम क्या है? हल। और पूरे वर्ण का नाम क्या है? अल। पूरे वर्ण, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, सबको क्या बोलते हैं? अल अल। हाँ, जैसे सूत्र में अल बोल दिया ना, अल कहने से पूरे वर्ण का नाम होता है, इसलिए वर्ण पर्याय। हाँ, सुन रहे हो शंभु?
स्वर का पर्याय कौन? अच। व्यंजन का पर्याय है हल, और पूरे वर्ण का पर्याय अल। ठीक है, अल है। देखो तो सूत्र का अर्थ समझा करो। जैसे हाँ भाई, हाँ हाँ जगजीत सिंह जी, हाँ आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, म्यूट करने से आपकी आवाज़ इधर नहीं आएगी और मेरी आवाज़ तो जाएगी आपको, उसे इको नहीं होगा। और कोई प्रश्न पूछना हो तो ऑन करके पूछ लीजिएगा। अच्छा, तो जैसे देखो भाई, संयोगांतस्य लोप सूत्र हुआ है, तो आगे ठीक से समझो सूत्र को, है तो टाइम लगता है। व्याकरण पढ़ोगे तो पहले बहुत समय लगता है, इसलिए लघु पुस्तक का जो नाम लघु है ना, सुनने में लघु है, अर्थ लघु नहीं है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं, अरे हम लघु नहीं पढ़ेंगे, हम तो बड़े ग्रंथ। बड़ा ग्रंथ पढ़ना आसान होता है, क्योंकि बड़े ग्रंथ पढ़ने वाले तो छोटे पढ़े हुए रहते हैं, ये उनको आसान होता है। लेकिन लघु कौमुदी पढ़ाना कठिन होता है, क्योंकि एकदम नए होते हैं। ठीक है, तो मथापच्ची करना पड़ता है। चलो, सूत्र में जो संयोगांत से लोप आया है, तो विधान हो रहा है लोप का। किसका विधान? लोप, लोप हो जाए ये बोल रहे हैं। और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है संयोगांत से, जैसे राम का राम से हुआ। ठीक है, और संयोगांत का संयोगांत से, तो ठीक से समझो। तो षष्ठी को अब अर्थ लिखे ना अभी, और अंत से परिभाषा सूत्र है, इसको घटाना है विधि सूत्र में। तो षष्ठी को निर्देश करके होने वाला आदेश जो हिंदी में लिखे हो कि नहीं, उसको घटाओ विधि सूत्र में। संयोगांत से लोप विधि सूत्र है। तो षष्ठी को, षष्ठी विभक्ति को, मतलब षष्ठी विभक्ति का निर्देश करके होने वाला आदेश कौन है? लोप, लोप आदेश। ठीक है, वो लोप आदेश किसको होगा? आपने लिखा है तो अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। ठीक है, तो संयोगांत जो पद है आपका, उदाहरण आप लिखे हैं ना, सु ध ध य, इतना लिखे हो, आगे तो उपास्य अलग है। तो सु ध ध य, इसका अंतिम वर्ण कौन है? यकार। उसका अंतिम वर्ण क्या है? यकार। इसलिए यकार को लोप होगा, पूरे को लोप नहीं होगा, ये सूत्र बोल रहा है परिभाषा। आगे इसे लोप जो करना है पूरे वर्णों का नहीं होगा। ठीक है, उस स्थान का जो अंतिम वर्ण होगा, संयोगांत पद हो गया सु ध ध य, ये संयोगांत पद हो गया। इसमें संयोग कौन है कपिल? इसमें संयोग कौन है? हाँ, संयोग है ध ध य, ये संयोग, इसको संयोग बोलते हैं। ठीक है, और संयोगांत पद कौन हो गया? पूरा सु ध ध य, इसका जो अंतिम वर्ण कौन है? य, यकार, उसको लोप हो जाएगा। कौन सूत्र बोला? अलंतस्य। ठीक है, हाँ, लेकिन पहले जो सूत्र के वृत्ति में लिखे हो, हाँ सूत्र के वृत्ति में लिखा है, देखो कि सूत्र के संयोगांतस्य लोप सूत्र के, सूत्र के नीचे जो वृत्ति लिखी है उसका अर्थ देखो अब पढ़ेंगे हम लोग। हैं संयोगांतम यत पदम, बोलो तदंतस्य लोपः स्यात्, पूरा बोलो। देखो संयोगांतम यत पदम, अर्थ लिखो अभी, ये सूत्र का अर्थ अभी हमने छोड़ दिया था ना, आप लोग बोले थे पीछे लौटेंगे, आप पीछे लौट आए। संयोगांतम यत पदम, संयोगांत जो पद हो, संयोगांत जो पद हो, जो पद हो,
संयोगांत, संयोगांत का अर्थ जिसके अंत में संयोग हो, जिसके अंत में संयोग हो, ऐसा जो संयोगांत पद, ऐसा जो संयोगांत पद उस पद के अंतस्य अंतिम वर्ण का, अंतिम वर्ण का उस पद के अंतिम वर्ण का लोप हो, स्यात् का अर्थ हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये जो सूत्र का अर्थ है ना, ये सूत्र का अर्थ हुआ, तो सूत्र का यदि ऐसा अर्थ हुआ कि संयोगांत पद के अंतिम वर्ण का लोप हो, फिर परिभाषा तो व्यर्थ हो गई, फिर अलवंत से क्या है, सुनते हो ना, संयोगांत से लोपों का ये ऐसा अर्थ हुआ तो आगे जो परिभाषा आ रही है अलवंत से वो तो व्यर्थ हो गया, है कि नहीं। परिभाषा तो बोल रहा है कि भी अंतिम वर्ण का आदेश हो, फिर परिभाषा व्यर्थ हो गई कि नहीं। देखो ऐसा है, जरा समझ के रखो, दो प्रकार के छात्र होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के छात्र, दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक तो उत्कृष्ट बुद्धि वाला है, व्युत्पन्न बुद्धि वाला होता है, एक बार बता दे झट से समझ लेता है वो व्युत्पन्न बुद्धि वाला, ठीक है। एक व्युत्पन्न छात्र होता है, अव्युत्पन्न छात्र होता है, कम बुद्धि वाला छात्र होता है, ठीक है। तो क्या होता है, व्युत्पन्न वाला छात्र को समझाने में बड़ा सरल होता है, बड़ा सरल होता है, ठीक है। जैसे कि बता दिया जाए, गुरु जो बता दिया चेले को, बेटा चाय बनाना आता है, नहीं गुरु जी नहीं आता है, हाँ तो चाय उनको पता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ चाय कैसे बनाना है, अभी नहीं बना रहे हैं केवल थ्योरी बता दिया, पहले दूध डालना, पहले दूध डालना, ठीक है, फिर क्या डालते हैं, फिर चाय डालना, हाँ फिर उबलेगा, कलर बदलेगा, फिर चीनी डालना, ऐसा बता दिया, फिर थोड़ा उबलने के बाद फिर छान लेना, है ना। अब पूरा याद कर लिया कौन, हाँ व्युत्पन्न बुद्धि वाला पूरा याद कर लिया, पहले दूध डालना पड़ता है, ठीक है, सब बता दी, इतना उबालना है, चाय पत्ती इतना डालना है, सब याद कर लिया, सब याद कर लिया, हाँ जब समय आया बनाने का झट से बना लिया, अब पूछा नहीं दोबारा, जैसा बताए थे पूरा ऐसा बना दिया, गुरुजी को पिला दिया चाय, गुरुजी खुश हो गए, क्यों, व्युत्पन्न छात्र है कि नहीं, व्युत्पन्न छात्र, लेकिन कम बुद्धि वाला तो भूल जाएगा, पहले कम बुद्धि वाला को ही बता दिया लेकिन भूल जाएगा कि नहीं, इसलिए गुरुजी ये पूरा नहीं बताते कम बुद्धि वाले को, हाँ फिर प्रैक्टिकली दिखाते हैं, बेटा देखो दूध इतना डालना है, सामने दिखा देंगे, फिर चाय पत्ती इतना डालनी है, फिर चीनी इतना डालनी है, फिर इतना उबालना है, सब ये प्रैक्टिकली होता है, समझ में आया। तो अव्युत्पन्न वाले छात्र को बाद में बताना पड़ता है जब कार्य आएगा, ठीक है, जब चाय बनाना होगा तुमको हम सिखा देंगे, डायरेक्ट सिखा देंगे दिखा कर, ठीक है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति हो तो पहले से ही उनको बता सकते हैं, आप समझ में आया, ठीक, जैसे व्यवहार में होता है इसी प्रकार पठन पाठन में भी होता है, पठन पाठन में भी होता है। तो व्युत्पन्न छात्र यदि हो उसको क्या कहते हैं, संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्र, एक संज्ञा सूत्र और एक परिभाषा सूत्र होता है, हैं, तो उसका विनियोग विधि सूत्र में होता है, कहाँ पर होता है, विधि सूत्र, संज्ञा सूत्र का और परिभाषा सूत्र का, जैसे दृष्टांत के आधार पर, दृष्टांत के आधार पर, हैं, देखो कि जैसे अष्टाध्यायी में है वृद्धि रादेज, क्या है, वृद्धि रादेज, आ ऐ औ उसको वृद्धि बोलते हैं, ये संज्ञा सूत्र हो गया,
बेटा समझ में आ गया? हाँ गुरु जी समझ में आ गया। क्या? जिसमें उच्चारण कर, ठीक से समझो, उच्चारण कर दिए छात्र को वृद्धि राधई, उच्चारण भी कर दिया छात्र, और उनको उस समय समझा भी दिए। क्या है? उनको उसी समय समझा दिए आ ऐ औ को वृद्धि बोलते हैं, समझ में? उसको बोलते हैं जथो देशम संज्ञा परिभाषम, लिखो जथो देशम संज्ञा परिभाषम, जथो देशम संज्ञा परिभाषम, जथो देशम संज्ञा परिभाषम। यहाँ पर उद्देश्य का अर्थ है उच्चारण काल, उच्चारण काल, उच्चारण काल है तो अर्थ क्या हुआ? ये परिभाषा है, ये परिभाषा, संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र का ज्ञान उच्चारण काल में ही कराया जाता है, उच्चारण काल में ही कराया जाता है। यह है जथो देशम संज्ञा परिभाषम, ठीक है। संज्ञा और परिभाषा सूत्र का ज्ञान, संज्ञा और परिभाषा सूत्र का ज्ञान अपने उच्चारण काल में ही बताया जाता है, कराया जाता है, अपने उच्चारण काल में ही कराया जाता है। आप लोग धैर्य रखो, है घबराओ ना, नए पढ़ने वाले। व्याकरण कोई कठिन थोड़ी है, संस्कृत एकदम सरल है, हाँ तेलुगु वगैरह कठिन है, तेलुगु तमिल है ना, संस्कृत एकदम सरल है ना। समझ में आ गया? समझ में ना भी आया हो तो आगे बढ़ते हैं। देखो जिस समय संज्ञा सूत्र का उच्चारण किया जाएगा, जैसे कहते हैं वृद्धि राधे, उच्चारण करा दिया छात्र को, उसी समय ही गुरुजी बता दिए छात्र को आ ऐ औ को वृद्धि बोलते हैं, झट से पकड़ लिया, हो झट से पकड़ लिया, ठीक है। उसका जब कार्य आएगा, कब कार्य आएगा? विधि सूत्र में कार्य आएगा, जैसे वृद्धि रेची, ये विधि सूत्र आ गया। तो वृद्धि रेची जो आगे विधि सूत्र आ रहा है, हाँ विधि सूत्र आएगा तो झट उनको स्मरण हो जाएगा छात्र को, हाँ गुरु जी बताए थे हमको, स्मरण हो जाएगा कि नहीं? क्या बताए थे? चित्त को समाधान करके वो स्मरण करे, हाँ आ ऐ औ को वृद्धि कहते हैं, ऐसा गुरु जी बताए थे, स्मरण हो जाएगा, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक। इसी प्रकार से परिभाषा सूत्र का भी ऐसा है, ठीक है। जैसे देखो ओलो अंतस्य, क्या है अंत, तो अष्टाध्याय में पहले इसको उच्चारण करा दिए थे गुरु जी, क्या है पहले, और उसी समय अर्थ भी बता दिया, परिभाषा, कौन परिभाषा, ओलो अंतस्य, ठीक है। उसमें गुरु जी या ये उच्चारण भी करा दिए छात्र को, और साथ ही साथ अर्थ का ज्ञान भी करा दिए, ठीक है। तो जब विधि सूत्र आया संयोगांत से लोप, झट से गुरु जी का स्मरण हो गया, है कि नहीं? हाँ गुरु जी हमको ऐसा बताए थे, किसका अर्थ, बोलो अंतस्य सूत्र का अर्थ, ठीक है। इसलिए पूर्व का स्मरण करके वो झट से अर्थ लगा लेगा, संयोगांत से लोप का अर्थ लगा लेगा, कौन लगा लेगा, छात्र, ठीक है। इसलिए परिभाषा के अर्थ का ज्ञान पहले हो गया, किस परिभाषा का ज्ञान, अलंतस्य, ठीक है। उस परिभाषा के अर्थ के ज्ञान कारण, अर्थ ज्ञान के कारण संयोगांत स्लोप का अर्थ समझ लेगा वो छात्र। देखो इसलिए संयोगांतम यत पदम तद अंतस्य लोपो स्यात, ऐसा बोल देगा संयोगांत पद के
अंतिम वर्ण का लोप होगा, पूरे वर्ण का लोप नहीं होगा। ये किसने कहा? एक व्याकरण के विद्वान हुए जिसका नाम है नागेश भट्ट। क्या है? नागेश भट्ट बहुत बड़े विद्वान थे। उनका शरीर महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र का था, ठीक है। वो पेशवा राजा थे ना उस टाइम, ठीक है। तो काशी गए नागेश भट्ट, काशी गए और काशी में ही रह गए, वहीं पर अध्ययन किए तो वहीं पर रह गए। पहले ऐसा होता था ना, बहुत बड़े विद्वान थे वो व्याकरण के, हैं। लेकिन बहुत गरीब थे वो, विद्वान गरीब ही होता है, विद्वान का ही भूषण है, विद्वान का वैराग्य ही भूषण है, शोभा है उससे, ठीक है। तो लेकिन किसी ने आकर बोल दिया पेशवा के राजा को, क्या महाराज आपके राज्य के कोई विद्वान है? काशी में रहते हैं, बहुत बड़े विद्वान है और विलक्षण ग्रंथ लिख रहे हैं, वो विलक्षण ग्रंथ लिखे व्याकरण के, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन रहते हैं बहुत गरीब हो, तो हमारे राज्य की बदनामी हो रही है। हाँ, जब बदनामी का नाम सुने तो राजा बोले ये बदनामी तो सहन नहीं होता ना भाई, उनका सत्कार करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है। तो राजा खुद आए, पेशवा राजा कहाँ पर, काशी आए। हाँ, तो सब अपने फौज लेकर, होता है ना सब कर्मचारी वगैरह, सब जो है भंडार वगैरह, सब जो अनाज वगैरह, सब वस्त्र वगैरह सब लेकर के आए, किसके पास? नागेश भट्ट के पास, ठीक है। उसमें कुछ लिख रहे थे वो नागेश भट्ट, उनको क्या पता कि राजा है क्या है, ठीक है, उसका कोई संबंध नहीं किसी से, हैं। तो गए राजा खुद गए, हैं, प्रणाम किए। तो नागेश जी बोले, अरे भाई रुको रुको, दस थोड़ा सा रुको, जो भी पूछना है, हैं, तो मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, उसके बाद जो पूछना पूछना। तो फिर वो राजा खड़ा है वहाँ पर, रहा अपेक्षा किया, हैं। तो फिर जो है नागेश जी बोले, हाँ अब बैठो, हाँ क्या पूछना है पूछो, ठीक है। नहीं नहीं महाराज, मैं पूछने के लिए नहीं आया। फिर किस लिए आया? फिर पूछने के लिए नहीं आया तो किस लिए आया फिर? नहीं, मैं वहाँ का राजा हूँ। कहाँ का है? नहीं, पेशवा का राजा हूँ। तो मेरे से क्या काम है तुम्हारा? मेरे से क्या काम है? नहीं महाराज, हम वहाँ के हैं, आप भी वहाँ के हैं, तो मैं वहाँ का है तो क्या हुआ? नहीं, हमारे राज्य की बदनामी हो रही है। क्यों बदनामी हो रही है? आप ऐसी स्थिति में है कि हमको अच्छा नहीं लगता, तो मेरी क्या स्थिति है? हाँ, तो यहाँ के जो है, हाँ, अन्नपूर्णा मैया तो दो रोटी दे ही रही है, रहने के लिए विश्वनाथ जी जगह दे ही दिए थोड़ी सी, और क्या चाहिए हमको? हाँ, कुछ पूछना है, कोई शंका वगैरह है तो पूछो, नहीं तो आप उधर जाओ, रास्ता अपना पकड़ो। ऐसे तो देखो कैसे विद्वान है, कोई मतलब नहीं, चाहे राजा हो कोई हो, बस अपनी मस्ती में रहना है, अपना चिंतन करना है। तो गए पहले के विद्वान ऐसे थे, इसलिए सारी दुनिया उनको मानती थी, यही विद्वान की शोभा है, हमारी परंपरा ही है ना। तो उन्हीं का ये परिभाषा है ना, वो लिखते हैं, उन्हीं की परिभाषा है, बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे, परिभाषेंदु शेखर है, व्याकरण लघु मंजूषा है, बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे। वो लिखते हैं जथो देशम संज्ञा परिभाषम, ठीक है, जिसमें संज्ञा सूत्र है, जिसमें परिभाषा सूत्र उच्चारण करेंगे, उसी समय ही उसके अर्थ का ज्ञान करा देंगे। किसके लिए? व्युत्पन्न छात्रों के लिए, ठीक है। लेकिन जो व्युत्पन्न छात्र नहीं है, मंदा बुद्धि वाला है, उनको तो भूल जाएगा, ठीक है बेटा, तुम पहले उच्चारण कर लो और याद करना जितना हो सके, ठीक है। तो उसको उच्चारण करा दिए, वृद्धि राधे, बस उच्चारण करके छोड़ दिए। गुरु जी अर्थ का ज्ञान? ना ना, अभी नहीं बताएंगे अर्थ का, बाद में बताएंगे, कब? जब विधि सूत्र आएगा, ठीक है। इसी प्रकार परिभाषा सूत्र भी पहले गुरु जी याद करा दिए, उच्चारण करके, अलो अंतस्य, ठीक है।
जब विधि सूत्र आया संयोगांत से लोप, फिर अर्थ का फिर ज्ञान कराए। देखो जो किस अर्थ का ज्ञान, परिभाषा फिर अलअंतस्य, देखो तुमको उच्चारण कराए थे ना, हाँ गुरु जी कराए थे, अर्थ नहीं बताए थे, हम नहीं बताए थे, अब बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए अलअंतस्य परिभाषा के फिर दोबारा बताए, समझ में आया। पहले छात्र केवल उच्चारण कर लिया था, याद कर लिया था, लेकिन अर्थ का ज्ञान उनको नहीं हुआ था, ठीक है शंभु, ठीक है ना। तुम कैसे हो, व्युत्पन्न छात्र है कि अव्युत्पन्न छात्र, कैसे कि उससे और भी नीचे हो, है ना, कैसे हो तुम कपिल, व्युत्पन्न है कि अव्युत्पन्न है, कुछ भी नहीं, ठीक है, दोनों में से तो एक बनो, अव्युत्पन्न है तो व्युत्पन्न बनो, है कि नहीं। चलो तो इसीलिए यहाँ पर दोबारा बताना पड़ा। तो सूत्र का अर्थ ज्ञान होया संयोगांत श्लोक का, संयोगांत पद के जो अंतिम वर्ण होगा उसका लोप होगा, पूरे का लोप नहीं होगा। आपका उदाहरण चल रहा है सु ध ध य, आगे क्या है उपास्य, तो सु ध ध य का अंतिम वर्ण कौन है भाई, यकार, यकार का लोप होगा, यकार का लोप होगा, मतलब अदर्शन हो जाएगा, इतना समझ में आया। तो पूरे का लोप नहीं होगा, फिर यकार का लोप होगा, ठीक है। जब फिर जब पाणिनि ने कहा भाई तुम्हारा लोप हो जाएगा, इससे कहा, यकार से बोला तुम्हारा लोप हम करेंगे, तो यकार तो दुखी हो गया, अरे हम तो साथ में थे पांच आदमी, कौन पांच थे कि नहीं, पांच बनना है ना, सु में ओ, सु में दो है, सकार उकार धकार धकार य, तो उसने कहा, यकार ने कहा हम पांचों थे और हमारी क्या गलती हुई, चारों आदमी को छोड़ रहे हो और हमको दंड दे रहे हो, हमारा लोप कर रहे हो, हमने क्या गलती की, ठीक है। फिर उसने फिर जो है कात्यायन के पास गया, किसके पास, पार्थिक का, पाणिनि हो गए सूत्रकार और कात्यायन हो गए वार्तिककार, उनके पास गया, हाँ तो मुनि लोग तो दयालु होते हैं मुनि लोग, हाँ तो फिर यकार से पूछे तुम्हारा क्या है, क्या परेशानी, देखो हम पांचों थे और हमारा लोग कर रहे हैं, चारों को छोड़ दे रहे हैं, आप इस कुछ करो, तो बोला ठीक है व्यवस्था करते हैं, हाँ तो वार्तिककार व्यवस्था करते हैं। देखो आगे इति य लोपे प्राप्ते, बोलो, हाँ ठीक है। इति ये परिभाषा को लेकर के सुयोगांतस्य लोप सूत्र से यकार का लोप प्राप्त होने पर, ठीक है, परिभाषा सूत्र की सहायता से संयोगांतस्य लोप सूत्र के द्वारा यकार का लोप प्राप्त होने पर, ठीक है, वार्तिक आता है, ये वार्तिक है भाई, जहाँ पर ब्रैकेट होगा ना कोष्टक में, तो समझ लो कि ये वार्तिक है, कोष्टक है कि नहीं, हाँ उच्चारण करते हैं, यणहा प्रतिषेधो वाच्य, यणहा प्रतिषेधो वाच्य, हाँ ये है वार्तिक, वो लिखते हैं, लिखो भाई, संयोगांत, हाँ यण के, यण के, यण के संयोगांत लोप का प्रतिषेध कहना चाहिए, यण के संयोगांत लोप अथवा यण वर्ण का लिखो, यण वर्ण का संयोगांत, संयोगांत लोप का प्रतिषेध कहना चाहिए, संयोगांत लोप का प्रतिषेध कहना चाहिए, है ना, प्रतिषेध कहना चाहिए, ठीक है। और भी स्पष्ट करके लिखो, संयोग के अंतिम
अथवा संयोगांत पथ के अंतिम, ऐसे लिखो संयोगांत पथ के, संयोगांत पद के अंतिम यण वर्ण का लोप नहीं करना चाहिए। यण वर्ण का लोप प्रतिषेध नहीं करना, ये लोप का प्रतिषेध करना चाहिए, लोप नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखो लोप नहीं करना चाहिए। हो गया, ठीक है। हाँ, संयोगांत पद का जो अंतिम वर्ण यण हो जाएगा, यदि यण हो जाएगा, यण मतलब कौन, य ब र ल, तो उसका लोप नहीं होगा, उसका लोप नहीं। हाँ, दूसरा वर्ण हो तो लोप हो जाएगा, य व र ल चारों में से किसी का हो तो लोप नहीं होगा। आगे, हाँ ऐसा बोल दिया। जैसे जैसे उदाहरण है, अब आ रहा है ना, शुध ध य उपास्य, तो संयोगांत पद हो गया पूरा शुध ध य, उसका अंतिम वर्ण कौन है, यकार, यकार यण में आता है, आता है य व र ल, यकार का लोप नहीं होगा। भारतीकर बोल, जाओ तुमको भी हमने छोड़ दिया, जाओ, है ना, चारों को नहीं मिलेगा तुमको भी क्यों मिलेगा, हमने छोड़ दिया, ठीक है, तो यकार का लोप नहीं हुआ। अब जोड़ दीजिए सबको, तो जोड़ देंगे तो क्या होगा, शुद्धोपास्य, क्या हुआ, शुद्धोपास्य, तो यकार जा करेगा ऊ में मिलेगा, यकार मिलेगा कहाँ पर, ऊ में मिल जाएगा, तो ऊ नीचे होगा, य के नीचे, शुद्धोपास्य पुस्तक में है ना, शुद्धोपास्य का अर्थ क्या है, शुद्धि भी उपास्य, विद्वान के द्वारा जो उपास्य हो, ठीक है, उपासना करने योग्य, चिंतन करने योग्य, परमात्मा का नाम हो गया, शुद्धिपास्य परमात्मा का नाम हो गया, ठीक है, हो गया। अच्छा, और आगे देखो, आगे लिखो मधु अरि, मधु अरि लिखो, मधु अरि, मधु का उ है, आगे अरि का अ है, मधु का उ आगे अरि, मधु मतलब कौन, दैत्य का नाम है, दैत्य, उसका अरि, अरि कौन है, परमात्मा, शत्रु, मधु दैत्य का अरि है शत्रु परमात्मा, है कि नहीं। आ लोग बोलते हैं व्याकरण में कोई भगवान का नाम नहीं है, व्याकरण में क्या रखा है, लोग बोलते हैं ना, अरे व्याकरण तो सूखा सूखा है, व्याकरण में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, व्याकरण भी बहुत होता है, ठीक है। महाभाष्य पढ़ोगे ना, महर्षि पतंजलि, वहाँ पर ज्ञान ही ज्ञान है, समझ में आया, ये व्याकरण में ऐसा नहीं, व्याकरण से भी बहुत ज्ञान होता है, ये संसार का बहुत चिंतन है, व्यावहारिक शिक्षा ही मिलती है व्याकरण से, आप पढ़ते जाओ देखो सुनते जाओ तो आपको बहुत व्यवहार की शिक्षा ही मिलेगी व्याकरण से। हाँ, संसार से वैराग्य हो जाता है व्याकरण पढ़ते पढ़ते, सामान्य नहीं है ये, व्याकरण पढ़ते पढ़ते शंकर को, भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, हैं, किसी को जो परमात्मा का जो है दर्शन भी हो जाता है व्याकरण से हो जाता है, ठीक है। हाँ, ये जो अयो रिलेटिव है ना, 14 महाशय सूत्र की, उसी से कोई कोई अभिषेक करते हैं, क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं भगवान शंकर का, कोई कि पाणिनि सूत्र से भी भगवान का अभिषेक करते हैं, परमात्मा का दर्शन हो जाता है, ये मामूली नहीं है व्याकरण, है ना। अच्छा, हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ आपको, मोक्ष का साधन हो जाता है, बहुत बड़ा ये व्याकरण से बहुत कुछ होता है, हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। आज हम इतना रखते हैं, ओम नृत्यावसाने नटराज ननाद ढक्का नव।
पंचवार उधर्तु कामः शनकाः सिद्धा नेतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। ओम शांति शांति शांति।